जय जोहर संगवारी हो, बहुत बहुत स्वागत है आप मन के अपन कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज हमन आए हवन पवित्र तट पे, यानी कि शिवनाथ नदी के तट पर, जहां हमन आए हन कृषि दर्शन से जुड़े कार्यक्रम के लिए। यह है एक छोटे से सुघर से गांव, ग्राम कोटनी। यह है हमार सफल कृषक भाई भरत परमार जी, जे बड़ मेहनत और लगन से टमाटर के खेती के कार्य में जुटे हुए है, अपन जिंदगी ला कढ़त है वे। तो संगवारी हो, चलथन ओकर बाड़ी में। छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ विभिन्न प्रकार के फसलों की खेती की जाती है। दिन प्रतिदिन यहाँ ऐसे किसान भाई बहनों की सफलता की कहानी भी सामने आती है, जो भारत देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में अग्रसर है। किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ में यूं तो खेत खलिहान, हरियाली, नदी पहाड़ों की कोई कमी नहीं, और इन्हीं नदियों के किनारे सदियों से एक परंपरा भी बसती आई है, वो है नदी किनारे खेती करने की परंपरा। और ऐसे ही नदी किनारे खेती करने की प्राचीन सभ्यता को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं भरत परमार जी। जिला दुर्ग के कोटनी क्षेत्र में खेती किसानी का काम करते हैं। ये उनका पैतृक व्यवसाय है, यानी वे पीढ़ी दर पीढ़ी खेती किसानी का काम कर रहे हैं, जिसमें वे सफलतापूर्वक आगे भी बढ़ रहे हैं और औरों को भी रोजगार देने का काम कर रहे हैं। परमार जी नमस्ते। नमस्ते। बहुत अच्छा लगा आपके टमाटर के हरे भरे खेतों को देख के। हम आपके टमाटर की खेती के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं जी। तो आप अपने टमाटर की खेती के बारे में कुछ बताइए प्लीज। ये अभी हमने 3 महीने पहले ये टमाटर की खेती चालू की है। पहले हमने खेतों को जुताई करके उसमें गोबर की खाद वगैरह डाल के फिर उसमें मल्चिंग लगाए। मल्चिंग लगाने के बाद फिर उसमें अंदर ड्रिप इरीगेशन का पाइप लगा हुआ है और ये बांस का स्टेकिंग किया हुआ है। ये पौधे नीचे गिर ना जाएं करके इसको हमने सुतलियों से एक एक पौधे को ऐसा बांधा हुआ है। ये हमारा वैसे तो ये पैतृक व्यवसाय है कृषि हमारा, लेकिन टमाटर की खेती प्रतिवर्ष हम लोग हर साल लगाते हैं टमाटर, और भी अन्य फसलें भी लगाते हैं। तो परमार जी, आपको इससे मंथली कितना बेनिफिट आपको मिल जाता होगा? सब्जियों का ऐसा होता है कि भाव के ऊपर डिपेंड करता है। भाव अच्छा मिलता है तो आमदनी होती है, भाव कम रहता है तो आमदनी फिर कम होती है या कई बार नहीं भी होती है। परमार जी, हम जानना चाहते हैं कि आपने अपने टमाटर की खेती में रस्सियां बांधी हुई है जी। तो ये रस्सी बांधने के पीछे क्या राज है? ये रस्सी इसलिए बांधते हैं कि इसकी जो बेल है ये नीचे गिर ना जाए। बेल नीचे गिरने से काफी नुकसान होता है फसल को, इसलिए एक एक बेल को ऐसा पकड़ के रस्सी से ऐसा बांध के ऊपर चढ़ाया जाता है जी। हम लोग देख पा रहे हैं कि आपने अपने खेतों में खंभे भी लगाए हुए हैं, तो जिनके जो सुविधा अनुसार अगर खंभे नहीं लगा सकते तो क्या बांस से भी काम चलाया जा सकता है? बिना खंभों बिना बांधे भी जमीन में हम फसल लगा सकते हैं, लेकिन उसका फिर उत्पादन कम आता है। परमार जी, हम जानना चाहते हैं कि आपने इतनी दूरी में आपने अपने फसलों को लगवाया, खेतों में लगवाया हुआ है टमाटर को, तो इतनी दूरी रखने का क्या अनुभव है? ये बीच में जो खाली जगह देख रहे, इतनी दूरी रखने के लिए एक ही कारण है कि हम दवाई स्प्रे करते हैं मशीनों से, तो बीच की जगह है, मशीन चलने के लिए जगह छोड़ी जाती है। पिछले 60 साल से उनका परिवार खेती किसानी करते आ रहा है। सभी प्रकार की सब्जियां उनके खेतों में उगाई जाती है और फलों में केला, पपीता, अमरूद, सीताफल जैसे फसलों की खेती वे करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी खेती किसानी करने वाले भरत परमार जी का परिवार वैज्ञानिक तकनीक को अपनाकर टमाटर की खेती कर रहे हैं, जिसमें उन्हें आर्थिक संपन्नता मिल रही है। भरत जी का कहना है कि उनके बड़े बुजुर्गों में खेती किसानी को लेकर काफी ज्यादा रुचि थी कि किस प्रकार से खेती को नए तरीके से किया जाता है, किस प्रकार से उसमें वैज्ञानिकता शामिल की जा सकती है। आज से तकरीबन 60 वर्ष पूर्व हमारे दादाजी और पिताजी लोगों ने यह कृषि का व्यवसाय चालू किया था और उसी को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे पिताजी लोग पारंपरिक तरीके से खेती करते थे और कुछ समय बाद उन्होंने आधुनिक तरीके से भी खेती चालू कर दी, जैसे ड्रिप इरीगेशन सिस्टम लगवाना, मंडप वगैरह बनवाना, ये उन्होंने उसी समय चालू कर दिया था। पहले के समय में जब ड्रिप इरीगेशन नहीं हुआ करता था तब पारंपरिक तरीके से फ्लड इरीगेशन में फसलों को पानी दिया जाता था। उसके कुछ पश्चात ड्रिप इरीगेशन सिस्टम आया
तो फिर हमने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी लगवाया। किसान भाइयों, सही तरीके से और बड़े पैमाने पर टमाटर की खेती आय का बढ़िया स्रोत हो सकती है। संक्षेप में कहे तो टमाटर एक बारहमासी पौधा है, लेकिन ज्यादातर किसान इसे वार्षिक पौधे के रूप में उगाते हैं। इसकी खेती अलग अलग मिट्टी के किस्मों में की जा सकती है, जैसे कि रेतीली, चिकनी, दोमट, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जिसमें पानी के निकास का सही प्रबंधन होना जरूरी है। इसकी अच्छी पैदावार के लिए इसे अच्छे निकास वाली रेतीली मिट्टी में उत्तम जैविक तत्वों से उगाया जा सकता है। अगेती फसल की बात करें तो हल्की मिट्टी लाभदायक होती है, जबकि अच्छी पैदावार के लिए दोमट, चिकनी मिट्टी और बारीक रेत वाली मिट्टी बहुत अच्छी मानी जाती है। भरत परमार जी टमाटर की खेती वैज्ञानिक तरीके से करते हैं। उनके खेतों में ड्रिप इरिगेशन मल्चिंग शीट का प्रयोग किया जाता है, ताकि सिंचाई हो या जल प्रबंधन या निंदाई गुड़ाई की व्यवस्था, उसमें उन्हें सहूलियत मिले। किसान भाइयों, जब भी आप कोई फसल लगाते हैं तो उसमें पानी का बहुत अहमियत होती है, इसलिए पानी समय समय पर कितना देना है उसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। किसी भी फसल में पानी कितना देना है वो समझ कर ही देना चाहिए। अत्यधिक पानी भी नुकसान होता है और कम पानी से भी फसल को नुकसान होता है। किसान भाइयों, पहले इस खेत में हमने दूसरी फसल लगाई थी, उसके बाद गर्मी में खेत को जोत के तैयार किया और मल्चिंग और ड्रिप वगैरह लगा के मंडप बना के फिर हमने एक टमाटर की नई किस्म आई थी, फिर हमने निर्णय किया कि हम इस नई किस्म को लगाएं। इस किस्म का टिकाऊपन अच्छा है और कहीं लंबी दूरी में इसको भेजना है तो इस टमाटर की इस वैरायटी को हम भेज सकते हैं। इसमें हमने सबसे पहले नर्सरी तैयार की थी, उसके बाद खेतों में उस नर्सरी को लगाया है और अभी ये तकरीबन 10x1 फुट में लगा हुआ है और अभी ये चालू अवस्था में है। हर 2 दिन के अंतराल में हम फसल की तुड़ाई कर रहे हैं और ये पूरा माल बाहर जा रहा है। खेत की जुताई के पश्चात मल्चिंग लगाने से पहले जो भी इसमें गोबर की खाद वगैरह है पहले ही खेतों में डाल दी जाती है, उसके बाद मल्चिंग और ड्रिप लगा के फिर फसल की बुआई करते हैं। भरत परमार जी के पास 25 एकड़ की भूमि है, जिसमें वे 12 एकड़ की जमीन में टमाटर की खेती करते हैं, जिसमें 60 व्यक्तियों को प्रतिदिन वे रोजगार भी देते हैं, यानी 60 व्यक्ति प्रतिदिन उनके खेतों में काम करते हैं। व्यापक क्षेत्र में टमाटर की खेती करने वाले भरत जी के खेतों से बड़ी मात्रा में टमाटर की फसल मिलती है, जिसके आयात निर्यात के लिए बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी और मंडियों का संपर्क इनके खेतों से है। वे फसल मिलते ही इन्हें ले जाते हैं और इनके टमाटर न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि अन्य राज्यों तक भी पहुंचाए जाते हैं। परमार जी, हम जानना चाहते हैं कि आप टमाटर की तुड़ाई कितने दिनों में करते हैं? इसकी टमाटर की तुड़ाई हर 2 से 3 दिन के अंतराल में करते हैं। तुड़ाई 2 से 3 दिन में वो तकरीबन तोड़ने लायक हो जाता, पक जाता है। ये टमाटर आपने कितने एकड़ में लगाया हुआ है? टमाटर अभी हमारे यहाँ 12 एकड़ में लगा हुआ है। और इसके वार्षिक लाभ आपको कितना हो जाता है? वार्षिक लाभ फसल का उत्पादन और क्या उसका बाजार मूल्य मिलता है उस पे निर्धारित होता है। और इसकी देखरेख के लिए क्या आप यहीं पे रहते हैं या फिर आना जाना आप लगाते हैं? नहीं, हम वर्षों से यहीं खेत में ही हमारा घर है, हम यहीं निवास करते हैं, यहीं रहते हैं। और भरत परमार जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि टमाटर को आपने कैरेट्स में रखा हुआ है, तो कैरेट्स में रखने का क्या रीजन है? क्योंकि ये यहाँ से दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बहुत भारत के विभिन्न शहरों में जाता है, तो सुरक्षित वहाँ पहुँचे इसके लिए कैरेट का उपयोग किया जाता है। पर हम बोरे में भी भर के सुरक्षित वहाँ पे पहुँचाया जा सकता? नहीं जा सकता, बोरे में भरेंगे तो एक ऊपर एक बोरा रखेंगे तो पूरा टमाटर पिचक के खराब हो जाएगा जी। और जैसे कि अगर और भी क्षेत्रों में दूर दूर दराज में भेजा जाता है तो फिर आप इसे थोड़ा सा कच्चा तोड़ते हैं या फिर पूरा पकने के बाद? लंबी दूरी के लिए थोड़ा सा कच्चा तोड़ते हैं और पास की मंडी रहती तो वहां के लिए थोड़ा सा पका हुआ तोड़ते हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू, देख
खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो कीटनाशक जहरीले होते हैं, डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं, दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी, अब ना करू ना दानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी, किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान, किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशु पालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। भरत परमार जी, हम जानना चाहते हैं कि टमाटर में विभिन्न प्रकार के रोग भी होते हैं, तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, जैसे बारिश होती है तो बहुत सारे इसमें अलग अलग प्रकार के रोग आते हैं, फिर जैसा रोग रहता है देख के फिर उस प्रकार से कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। अभी जैसे कि ठंड पड़ रहा है तो इससे कोई नुकसान होता होगा या फिर फायदा? ठंड के समय में टमाटर पकता कम है, जल्दी पकता नहीं है अत्यधिक ठंड होने से। जी, तो इसके लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा है? मौसम वैसे ठंड का मौसम ज्यादा अच्छा होता है किसी भी फसल के लिए, खासकर टमाटर के लिए बहुत अच्छा मौसम है ठंड का मौसम। तो अभी जैसे कि आपने टमाटर इस क्षेत्र में लगाया हुआ है, तो इसके बाद भी क्या आप टमाटर की खेती करेंगे? ये फसल अभी हमारी टमाटर की फसल है, ये करीब मार्च अप्रैल तक चलेगी। अप्रैल के बाद फिर गर्मियों में खेत की जुताई करके छोड़ देते हैं, फिर नए बारिश में फिर नए फसल की तैयारी करते हैं। तो उसके बाद जैसे कि आप दूसरे फसल लेते हैं, उसके बाद उस मिट्टी की क्वालिटी में कोई चेंजेस? फिर उसको जुताई करके फिर गोबर की खाद वगैरह डाल के फिर उसमें नई फसल लगाते हैं। खेत की तैयारी की बात की जाए तो सबसे पहले खेतों की अच्छी तरह जुताई की जाती है, घास फूस हटा दिया जाता है और खेतों में गोबर डालकर उसे अच्छी तरह मिलाकर खेत तैयार किया जाता है। टमाटर की वैज्ञानिक खेती करने के लिए खेतों की अच्छी तरह जुताई करने के बाद खेतों में टेबल बनाया जाता है, उसमें ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था की जाती है, पाइपलाइन बिछाने के बाद उसमें मल्चिंग शीट लगाया जाता है, उसमें बांस को पोल में लगाया जाता है यानी बांस का मंडप बनाया जाता है जिसमें रस्सी बांध कर टमाटर की नार को चढ़ाई जाती है। खेत में पौधा लगाने के पश्चात ड्रिप इरिगेशन इसमें लगा हुआ है, उसके द्वारा सभी खाद वगैरह दिया जाता है। पौधे को हाइट बहुत ज्यादा होती है इसलिए इसमें बांस लगा के रस्सी बांध कर सुतलियों से पौधे को बांध कर ऊपर चढ़ाया जाता है। दवाई छींटने की जो मशीनें हैं उससे दवाई का स्प्रे करते हैं। किसान भाइयों, जब भी टमाटर की खेती करें तो सबसे पहले उसके लगाने का जो समय है उसका ध्यान रखें। बहुत ही अर्ली लगा लेने से फसल बारिश में खराब होने की संभावना रहती है, इसलिए सही समय का चयन करना और सही वैरायटी का चयन करना बहुत ही आवश्यक है। किसान भाइयों, टमाटर का पौधा लगाने के 55 दिनों के बाद फल मिलना प्रारंभ हो जाते हैं और टमाटर की फसल मिलना प्रारंभ हो जाती है। भरत जी इस साल 12 से 15 बार टमाटर की तुड़ाई कर चुके हैं, बाजार भाव भी इस साल उन्हें अच्छा मिला है। जो किसान
टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं, उनका लक्ष्य भी उन्हें बड़ा रखना होगा, यानी आर्थिक लाभ लेने के लिए प्रति एकड़ टमाटर का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टिकोण से कार्य करना होगा। हालांकि सब कुछ मांग और आपूर्ति पर निर्भर है। अच्छे उत्पादन के लिए अच्छी किस्मों का चयन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तभी भरत जी अपने खेतों में नर्सरी से अच्छी किस्में लाकर अपने खेतों में रोपित करते हैं। ये देखिए, ये हमने 10x1 की दूरी में मचान में लगाया हुआ है और इसको चालू है। करीब 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने से फसल की तुड़ाई चालू है। जब भी आप टमाटर लगाएं किसान भाइयों, तो जैसे ही बारिश होती है तो हमें उसमें क्या क्या बीमारियां आती है उसको देख के समझ कर फिर उसमें कीटनाशकों का छिड़काव करना होता है। इसमें बांस और रस्सी बांधकर सुतली बांधा जाता है एक एक नार को। यदि इसको नहीं बांधेंगे तो पूरा ज़मीन पर गिर जाएगा और इसका उत्पादन कम आएगा। ऊपर बांधने का एक फ़ायदा और है कि दवाई का छिड़काव करने में सहूलियत होती है, फलों को तोड़ने में आसानी होती है। टमाटर की खेती की सिंचाई के लिए टमाटर की फसल में सर्दियों में 10 से 15 दिनों के अंतराल में सिंचाई करनी चाहिए, तो वहीं गर्मियों के दौरान 6 से 7 दिनों के अंतराल में सिंचाई करना उपयुक्त माना जाता है। यदि संभव हो तो टपक विधि यानी ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई करनी चाहिए, जैसा कि भरत जी करते हैं। उचित सिंचाई के बाद सामने आती है खेतों को रोग से बचाए रखना, यानी कि अपनी फसलों को रोग और कीटों से कैसे दूर रखें। इसमें भी हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि पौधशाला की क्यारियों में अच्छे से जल निकास का प्रबंधन हो। जड़ सहनशील और मृदा जनित रोगों से बचाव के लिए जल निकासी की सुविधा का विशेष ख्याल रखना चाहिए। पहले हम सिर्फ सब्जियों की ही खेती करते थे, जैसे टमाटर, लौकी, बैंगन, करेला, मिर्ची वगैरह की खेती करते थे, लेकिन समय बदलता गया और अब हम लोगों ने फलों की खेती भी चालू कर दी है, जैसे अमरूद है, पपीता है, केला है, सीताफल वगैरह की खेती भी हम शुरू कर दी गई है। अभी हमने धीरे धीरे आधुनिक तरीकों को कृषि में अपनाया है और अभी वर्तमान में हमने तकरीबन 15 एकड़ में परी टमाटर की वैरायटी लगाई है। किसान भाइयों, खरपतवार सभी फसलों के लिए हानिकारक होते हैं, पर अगर बात करें टमाटर की फसल की, तब खरपतवार पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये खरपतवार टमाटर की फसल को अधिक हानि पहुंचाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टमाटर की जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होती और सभी पौधे मिट्टी की ऊपरी सतह से पोषक तत्व लेते हैं। ऐसे में अगर पौधों के पास खरपतवार हो तो पौधे पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर पाते और उनका विकास रुक जाता है और पैदावार भी घट जाती है। इसीलिए टमाटर की खेती को खरपतवार से बचा कर रखना जरूरी है। फसल में खरपतवार पर नियंत्रण पाने के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई होती रहनी चाहिए, जिससे पौधों की जड़ों को पर्याप्त वायु और पोषक तत्व प्राप्त होते रहे और पौधों का विकास भी अच्छे ढंग से हो। अगर वैज्ञानिक ढंग से टमाटर की खेती की जाए तो किसान ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं और देश के आत्मनिर्भर किसान बनकर कृषि जगत को समृद्धशाली बना सकते हैं। बस जरूरत है तो परंपरागत विधि के साथ वैज्ञानिकता को अपनाने की और समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की। नजर मिला के गोरी, अरे थोरी की मोला देख ले। नजर मिला के गोरी, थोरी की मोला देख ले। कतिका मया है तोरे बर गोरी, वो महुला मया करके देख ले। वो कतिका मया है तोरे बर गोरी, वो महुला मया करके देख ले।
दिन रात मैं जपत रेखा तोरे माला तोला पाए भर मैं तो घूमे चारो धामला मनीला मढ़ा दे मोरो मनीला मढ़ा दे मोरो एको नजर देख ले कतिका मया है तोरे बर गोरी वो महुला मया करके देख ले वो कतिका मया है मोरे बर गोरी वो महुला मया करके देख ले गोठिया हूँ कह के मैं तोरे चितिर मजा था मन के मंदिर मरानी तू ही ला बसा था गोठिया हूँ कह के मैं तोरे चितिर मजा था मन के मंदिर मरानी तू ही चिला बसा था क्यों ची करे जा मोरो क्यों ची करे जा मोरो चीर के तहां देख ले कतिका मया है तोरे बर गोरी वो महुला मया करके देख ले वो कतिका मया है मोरे बर गोरी वो महुला मया करके देख ले नजर मिला के गोरी थोड़ी की मोला देख ले कतिका मया है मोर बर गोरी वो महुला मया करके देख ले कतिका मया है तोरे बर गोरी वो महुला मया करके देख ले 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 तो ये रही संगवारी हो हमर आज के सफल किसान भरत परमार जी जेकर से टमाटर के खेती के बारे में विभिन्न प्रकार के जानकारी हासिल करें अवैया बेरा में हमन आप मन के लिए फिर नवा जानकारी नवा कार्यक्रम के साथ उपस्थित होबो तब तक के लिए दो विदा जय जोहार।